अयो फ्रेंड्स, भारत नगर के लिए आज प्राउड डे है। थारा को स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट्स का अवार्ड मिला है। तारा, हम सभी को तुम पर बहुत गर्व है। मुझे पूरा यकीन है तुम बड़ी होकर परिवार का, भारत नगर का और भारत देश का नाम रोशन करोगी। बहू, आज की छोरी हर फील्ड में आगे है। हाँ, वैसे आज की लड़की ही नहीं, रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू, कल्पना चावला, मदर टेरेसा, ऐसे तो कई अनगिनत नाम हैं जिन पर हमें गर्व है। और आज की लड़कियों को तो मौके भी बहुत मिल रहे हैं, तभी तो लड़कों की बराबरी करके उनके आगे भी निकल रही हैं लड़कियाँ। लड़कियाँ तो फाइटर प्लेन चलाती हैं। बापू, आप सही बोले, पर जो काम लड़के कर सकते हैं वो काम लड़कियाँ नहीं कर सकती। अपनी जुबान को ब्रेक मार वरना। अरे, आज की लड़कियाँ जो काम कर सकती है वो काम तो लड़के भी नहीं कर सकते हैं। हम आपकी तरह ना जीन्स पैंट पहनती हैं, क्या आप जेंट्स हमारी तरह साड़ी स्कर्ट पहन सकते हो जी? बोलो जी। अरे बहन लोग, बोले तो अपुन का मतलब है कि आज की नारी फाइटर प्लेन चला सकती है, पर अपुन के माफिक सिटी में रिक्शा नहीं चला सकती। देखो जी शानाप्रा, ऐसी तो कोई गल नहीं है। अरे नहीं चला सकती। चला सकती है। शाना, तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए। बापू, आपने ही कहा है ना, जो सच लगे वो बोलने का, तो अपुन सच बोला। शाना, तुम सूरज टोली और भोला टोला गोला हमेशा मेरी बात का गलत मतलब ही निकालते हो। अब शाना प्राची को तो बताना ही पड़ेगा कि आज की लेडीज लोग बिना रिक्शा चला सकती हैं। इतना बड़ा गिफ्ट बॉक्स, अंदर केले होंगे। किसने इतना बड़ा गिफ्ट मंगवाया? मैंने। हाँ जी बापू, आप ना ये रिबन खींच कर ना ये जो गिफ्ट बॉक्स है ना उसको खोलिए। हाँ। रिक्शा? हाँ, तो क्या बोलते हो शाना भाई, अब तो आप मानते हो ना कि लेडीज लोग भी रिक्शा चला सकती हैं? हाँ, तो अब मेरी गीत रिक्शा चलाकर शाना को दिखाएगी। कलाकार भाऊ, शाना तो दिमाग से भीगा हुआ पाव है। गीत यहाँ रिक्शा चलाएगी तो शाना के धंधे पर असर होगा। शांति, शांत हो जा। अरे अपुन भीगा पाव नहीं, तीखी तमतमाती तड़का भाजी है। गीत बहन को आइडिया नहीं, इनके लिए रिक्शा चलाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अरे गीत बहन कहाँ गई? गीत बहन कहाँ हो? अब उनके बातों से ही हार कर रिक्शा चलाना छोड़कर भाग गई। बापू वो क्या है ना, देखिए जी, मेरी पहली सवारी ना आप भोला टोला गोला और सूरज टोली हो गया। हाँ जी। अरे गीत, रिक्शा में तीन सवारी से ज्यादा नहीं बैठ सकती। गीत, अपना जादू दिखा दे। आहा। चलो चलो बैठो बैठो बैठो। अरे गीत बेटी, रिक्शा रोको। क्या हुआ बप्पू? गीत बेटा, माना तुम रिक्शा चला सकती हो, पर बेटी ड्राइविंग करना बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी का काम है। ड्राइविंग में तुम्हें सिर्फ अपना ही ख्याल नहीं रखना है, तुम्हारे साथ पैसेंजर्स, आसपास की गाड़ी वाले, रोड पर चलते हुए लोग, सभी का ख्याल रखना पड़ेगा। अब बापू माफ कर दो बापू, वो क्या है ना, जोश में आकर ना जिम्मेदारी से भटक गई थी। अब देखो जी गीत की परफेक्ट ड्राइविंग, बैठो सभी। अब धीरे से चलाना। वाह गीत, तुमने तो हम लेडीज का सर ऊंचा कर दिया। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या, क्यों बहनों? हम भी देखते हैं, क्यों भाइयों? शाना अंकल,
आप तो पहले ही राउंड में आउट हो गए, अब दूसरे राउंड के लिए तैयार हो जाइए। दानजी भाई मैं निकल गया हूँ, अभी रिक्शा लेके 5 मिनट में स्टेशन पहुँचता हूँ रोकड़ा लेके। लाभु भाव, लाभु भाव, लाभु भाव, चलिए आप उनकी रिक्शा में, मैं आपको स्टेशन छोड़ देता हूँ। लाभु भाव, आपको ना मेरी रिक्शा का फर्स्ट पैसेंजर बनना है जी। हाँ आइए आइए, मेरी नई सोनी रिक्शा में ना बैठ जाइए। लाभु भाव, अपुन ने आपको पहले बुलाया, अपुन की रिक्शा में नहीं बैठे तो अपना दो भाइयों का रिश्ता बोले तो खल्लास। लाभुप्रा देखो जी, अगर आप मेरी रिक्शा में नहीं बैठे ना तो ये आपकी जो छोटी बहन है ना आपसे बात नहीं करेगी। हाँ हे ऊपर वाले, कैसी मुसीबत है, मैं शाना और गीत बेन दोनों को नाराज भी नहीं करना चाहता, क्या करूं? लाभु अंकल, हमारे पास एक आइडिया है जिससे शाना अंकल और गीत आंटी दोनों आपसे नाराज नहीं होंगे। अच्छा तो फिर जल्दी बता रुकड़ा लेके। गीत बेन और शाना, मैं तुम दोनों के रिक्शा में आधा आधा जा रहा हूँ, तो भाड़ा भी मैं आधा आधा ही दूंगा रुकड़ा लेके। तिजोरी भाऊ, चांदी भाभी, चलो अपन की रिक्शा में। चांदी मेरी रिक्शा में आ जाओ। नहीं, मेरी रिक्शा में आना होगा। चांदी तू मुझे सपोर्ट नहीं करेगी क्या? नहीं। ओ परवाले, क्या करूं? अरे वाह, आज तिजोरी अंकल ने भी हमसे एडवाइस मांगी, तो एडवाइस देते हैं ना। सुनो तिजोरी अंकल, एक आइडिया है। ये क्यों मुसीबत है, हम पति पत्नी को एक ही जगह जाना है पर अलग अलग रिक्शा में जा रहे हैं, डबल भाड़ा देना पड़ेगा। अरे आकाश भाऊ चलो। भाई लोग, बहन लोग, अपुन की रिक्शा में आओ, एसी है, सोफा भी है। मेरे रिक्शा में ना एसी है, टीवी है, फ्रिज है, मेरी रिक्शा में तो बेड पर आराम से सोते सोते हुए जाइए। बापू अब हम के करा? आप सबकी परेशानी मैं समझ सकता हूँ, शाना और गीत अभी जिद पर अड़े हुए हैं। पर बापू दोनों की जिद में हम परेशान हो रहे हैं, शर्तें लागू। अब उनकी सोच को गुदगुदी करनी पड़ेगी। मेरे पास एक प्लान है। बापू किधर जाने का है? मुझे कहीं नहीं जाना है। ओके बापू, पर बापू वैसे आज तो कमाल है, भारत नगर का ना कोई भी पैसेंजर घर से निकल ही नहीं रहा। वो देखो। अरे ओ, आकाश तिजोरी डॉक्टर, ये सब क्या है, तुम सब भी रिक्शा लेकर? शाना गीत, ये सभी तुम दोनों की जिद से परेशान हो गए थे, जब तुम दोनों इन्हें अपने अपने रिक्शा में बैठने के लिए कहते थे तो इनके लिए धर्म संकट हो जाता था, परेशानी होती थी, इसलिए इन सभी ने अपने अपने पर्सनल रिक्शा खरीद लिए। अरे बापू, एक तो वैसे ही अपुन को लगा था गीत बहन रिक्शा नहीं चला पाएंगी, पर अपुन की सोच गलत साबित हुई, गीत बहन अपुन से बेस्ट रिक्शा चलाती है, अपुन के धंधे की तो वाट लगे लिए, ऊपर से ये सब रिक्शा चलाएंगे तो अपुन की बैंड बच जाएगी। हाँ बप्पू, देखो ना जी मैंने प्रूव कर दिया कि लड़कियाँ भी ना रिक्शा चला सकती हैं। हाँ शाना प्राजी ने मान लिया, मुझे तो इसी बात की बड़ी खुशी है, मुझे तो बस शाना प्राजी की ना सोच बदलनी थी रिक्शा चला कर। और हाँ वो क्या है ना जी, आप सभी को भी सॉरी, मैंने आप सभी पर इमोशनल अत्याचार किया। अपुन का भी सॉरी, अपुन ने भी आप लोगों के दिमाग का दही लस्सी किया, आप लोग भी रिक्शा चलाइए, पैसेंजर को जिसकी रिक्शा में बैठना होगा बैठेगा, अपुन कोई इमोशनल ड्रामा नहीं करेगा,
आप सभी को ऑल द बेस्ट। शाना, ये सारे रिक्शा तो थोड़ी देर के लिए सभी भाड़े पर लाए थे ताकि तुम्हारी और गीत की सोच में गुदगुदी कर सकें। हो गई अपुन की सोच को गुदगुदी। आजकल की लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं, रिक्शा भी चला सकती हैं और लेडीज को कम समझने वालों को सबक भी सिखा सकती हैं। आज की नारी सभी पर भारी, शांत है तो लगे फूलों जैसी प्यारी, ललकारा तो बन सकती है चिंगारी, कम करे गुस्सा ज्यादा दिखाए समझदारी, हर क्षेत्र में करे जीत की सवारी, आज की नारी सब पर भारी।